मेरे तरफ से इन दोनों जोड़ियों को हजार हजार बरस के लिए मैं दुआ करूंगा जी, इनकी हजार जिस जन्म में पैदा हों, दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हों और अपनी खुशी से ज़िंदगी को पार लगाएं जिस तरह हम अपनी बीवी के साथ पार लगाते हैं, है ना। ओके, रानी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? रानी जी एक उम्दा कलाकार है, उनके कलाकारी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। जब भी वो पर्दे पर आई हैं, एक अपनी मिसाल कायम किया उन्होंने, अपनी छवि को बरकरार रखा है और ऑडियंस के नज़र में उनकी एक छवि एकदम रानी की तरह है। और मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा कि ये छवि जब तक वो बुढ़ापे तक उनकी रहे, जिस तरह बच्चन साहब की आज बुढ़ापे में भी एक छवि है, उसी तरह रानी जी की भी छवि बनी रहे। फिल्मों की कभी आपके बगल में हीरोइन है, मेहंदी लगा के रखना, फिल्म कंप्लीट किया, आप लोगों ने क्या कहना? हीरोइन मेरी तो जानलेवा हीरोइन है सर, इंडस्ट्री में इसका जगह नहीं है। और वाकई में काजल जी को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि अभी हम लोगों ने जो फिल्म करके आई मेहंदी लगा के रखना, वो काबिलियत तारीफ है। जिसके डायरेक्टर है रजनीश जी और उन्होंने क्या काम कराया है, मैं उनको भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसी एनर्जी उनकी बनी रहे। और काजल जी ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया उस फिल्म में, और इतना अच्छा कि शायद एक मियाँ बीवी की तरह हम लोगों ने काम भी किया। पर्दे पे आपको देखने को मिलेगा एक प्यार क्या होता है, गरीबी क्या होती है, एक त्याग क्या होता है। उसमें मैंने 10 रोल किए हैं और 10 चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस है मेरे अपने एक्टिंग में। और मैं जिया हूँ उस फिल्म में, मैं एक जो ज़िंदगी होती है वो मुझे देखने को मिली है और करने को मिला है। और मैं अपने उस फिल्म से मेहंदी लगा के रखना, जिसके प्रोड्यूसर हैं हमारे अनंजय रघुराज जी और काजल लगवानी जी, और मैं इनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस फिल्म में, बहुत संभाल के हर चीज़ एक जिस तरह के एक्टर करता है उसे कई गुना ज़्यादा इन्होंने मेरा ख्याल रखा। और बहुत सारा और एक अच्छी दोस्ती हम लोगों की हुई, जो एक अच्छे दोस्त की तरह हम उस पर्दे पे आएंगे और आप सबको प्यार मिलेगा। खेसारी जी, शादी की जब भी बात होती है बहुत सारी चीजें याद आती हैं। हाँ, आपको बहुत याद करता हूँ मैं। आप तो है ना वो तबाही लहरे आपके जो है ना, बताइए। शादी की जब भी बात आती है बहुत सारी चीजें याद आती है। बचपन में किसी की शादी में लौट के नागिन डांस किया याद है? हाँ, मैं बहुत किया हूँ, ऐसा थोड़ी है। रोकिए, खाना ही खाना देंगे तब ना खाएंगे जी। नागिन डांस हम देखिए बहुत काम किया है, हमारे यहाँ बैंड बाजा होता था तो नागिन डांस कहाँ से। आपको आप ही आज ये भी एक हीरोइन है, छोटा मोटा छोटी सी गुड़िया है, ऐसे गुड़िया नहीं बहुत बड़ी पुरिया लगती है शरीर से, लेकिन वाकई में इंसान है, दीवार की तरह धो रही है। रानी चटर्जी जब भी पर्दे पे आई हैं इन्होंने एकदम रानी की तरह राज किया है, और मेरी दुआ है जे रानी की तरह ही राज करें हम भी जब भी पर्दे पे आए हैं, हम दोनों मियाँ बीबी। अरे मियाँ बीबी की तरह याद है, क्यों शर्मा रही है? और मियाँ बीबी नहीं हो पर्दे पे तो शायद हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने मेरी वाइफ भी इसी हिसाब से है, मेरी वाइफ के भी ये तारीफ नहीं नहीं मार नहीं रहा हूँ, ऐसे हमारी हमारी जब भी किसी की शादी का फंक्शन हो तो मैं मानता हूँ कि हम ये जोड़ी सबसे ऊपर है, लेकिन मैं भी दूल्हा था किसी दिन दौलत जी, आइए ना, अभी दो दो बीवियों का दूल्हा हूँ मैं, दौलत जी। चलिए, अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और अभी खाना नहीं खाया, अब खाना खाने के बाद फिर इंटरव्यू दूंगा मैं आपके बगल में खड़े हैं दौलत जी, खड़े जिनकी शादी हुई है। दौलत जी, हाँ दौलत जी, ये हमारे दौलत जी हैं जो दौलत से भरे हुए हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और अब तो और नहीं रहे क्योंकि जिस चीज़ की कमी थी वो इन्होंने पूरा कर लिया है। शादी हो गई ना अभी, शादी हो गई ना, अब जो भी बांस होना होगा इनको प्रॉपर होगा और ज़िंदगी चैन से कटेगी, ये मेरा शुभकामना है। और जिस चीज़ किसी शादी होती है ज़िंदगी चैन से ही कटती है, जिनकी शादी हुई होगी उनको यह अनुभव हुआ होगा, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि ज़िंदगी एक ऐसी दौर होती है, शादी की बंधन में बंधे हैं, और भगवान करे कि आप ऐसे ही हंसते रहें, आजीवन ऐसा होने वाला तो है नहीं, लेकिन आप हंसते रहें, लेकिन आप हंसते रहें और खुश रहें, मेरी ये मेरी शुभकामना है एक भाई के लिए, एक भाई को और हमारी। अरे मैं देखिए किसी के बर्बादी पे मैं हंसता बहुत हूँ। चलिए, अच्छा लगा, मजा आया, और ये हमारा घर